बढ़िया मूवी, अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, लोकेशन अच्छा है और स्टार्स सब लोकेशन इज वेरी अमेजिंग। एक्टिंग की अगर बात करें तो एक्टिंग किसकी ज़्यादा अच्छी लगी? एक्टिंग तो सबके अच्छी लगी, एक्टिंग राखी का अच्छा, राखी आई एम बिग फैन फॉर राखी। राखी और लव सीन है और अच्छे सब। क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप एक आप खुद एक यंगस्टर हैं, क्या आप मानते हैं इस तरह की लव स्टोरीज होती हैं आज की? या श्योर होती है, सेटअप में कॉलेज में, यू नो, हां होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फिल्म एक मैसेज भी देती है? बिल्कुल, नया जनरेशन के हिसाब से आज के टाइम में जो गे जनरेशन चल रहा है उसके ऊपर जो दिखाया है तो रियलिटी लगता है, समझे कि नहीं? आज के पॉपुलेशन से 10% तो गे पॉपुलेशन है ही है, समझे कि नहीं? तो उसके हिसाब से दिखाया है, समझे कि नहीं? तो उसके स्टोरी को मतलब जो बताया है, समझे कि नहीं? समाज एक्सेप्ट नहीं, लेकिन वो आज के तारीख में बहुत एक्सेप्टेबल हो गया है ना सब कुछ। क्या आप मानते हैं नई शुरुआत है, जैसे सर ने बताया कि गे समाज की बात करते हैं तो अब तो कानून आ गया है, लॉ आ गया है, क्या आप मानते हैं नई शुरुआत है और फिल्म एक सोशल मैसेज भी देती है जो बहुत सही बैठता है? हाँ, जो है वो है, उसे तो कोई माना नहीं कर सकता, वो जो है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह का फिल्म ने मैसेज दिया है फिल्म को टैक्स फ्री भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। 5 में से कितने स्टार देंगे? हाँ, 5 में से कितने स्टार देंगे? 4 देंगे सर। थैंक यू सर। देखिए लव के बहुत सारे एंगल्स इसमें दिखाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे दिखाए गए इसमें, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अधूरा होता है। क्या आपको लगता है जिस तरह की बॉलीवुड में फिल्में आती हैं, जब मैं रोमांटिक फिल्म की बात करूँ या लव स्टोरीज की बात करूँ, बहुत अलग सिनेमा है रोमांटिक फिल्म? हाँ, थोड़ा बहुत। किस लिहाज से? पहले तो मैं जो हमारे फ्रेंड हैं शायद उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा रोल निभाया तो मुझे भी थोड़ा फील हो रहा है। मैं अच्छा है, इंसान को कोई भी चीज़, इंसान कैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एक्चुअली। ओके, डू यू थिंक इट आल्सो कैरीज अ वेरी स्पेशल सोशल मैसेज टू द एंटायर पीपल? या मैं लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसान को जो भी करना चाहिए सच बोलना चाहिए, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी फीलिंग को सबके सामने, आप जो भी हो, आप लड़के हो लड़की हो, किससे प्यार करते हो, आपको मतलब सबके सामने बोल देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो गे वाला टॉपिक उठाया है कहीं जी, लगता है कि आप अब तो कानून उसके लिए पास हो चुका है, एक नया दौर चालू होगा और फिल्म में भी बड़ा जस्टिफिकेशन दिया है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जो गे वाला इसमें जो सीन दिखाया गया, मतलब देखो इंसान यहाँ पर जो पैदा हुए हैं, मतलब कैसे भी हो सकते हैं, तो हर इंसान को अपना हक है जीने का, इसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि खुद की इंसान की चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप गे हैं या बायसेक्सुअल कैसे भी लोग हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। 5 में से कितने स्टार देंगी? हाँ 4 स्टार दूंगी, मेरे दोस्त की फिल्म है तो वैसे भी बेस्ट ऑफ लक उसको बोलूँगी। थैंक यू। अच्छे अच्छे सीन देखने को मिले, कैसे सीन बहुत ज़्यादा थे इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या खास लगा फिल्म? फिल्म में कुछ यूनिकनेस था, कुछ बताया गया था, मतलब कि अलग अलग बताया गया था जो काफ़ी मूवीज़ में नहीं बताया जाता, तो काफ़ी कुछ बताया गया, अच्छा भी लगा देखने में। बस थोड़ा सा छोटी मूवी थी और बाकी सब ठीक था। शायद के डायरेक्शन के बारे में? सर डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, क्योंकि शायद तो ऑलरेडी मैं जैसे काम भी कर चुका हूँ तो ये डायरेक्शन बहुत अच्छे करते हैं, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है। डायरेक्शन भी अच्छी थी, लाइटिंग भी अच्छी थी, सेटअप भी अच्छा था, सब अच्छा था। ओके, 5 में से कितने स्टार? 5 में से 4। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म आपको? मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था एक्चुअली, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, देखने को सीखने को बहुत कुछ मिला इसे। एक अलग तरह की कोशिश है, क्या कहना चाहेंगे? और कितनी बैंडिंग क्लब में 4 अलग 5 अलग अलग कहानियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली में जो फिल्म की कहानी है, एक्चुअल कहानी खुद में बयान करती है कि दैट इज पेंडिंग लव, तो वहाँ उसके हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था उनका जो बाइसेक्सुअल्स के ऊपर था। ठीक है, आज के डेट में एक्चुअल लोगों को ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई गई है कि लोगों को पहले खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो क्या है, वो गे है या बाइसेक्सुअल है, वो चीज़ एक्चुअली वो खुल के आई है, पहली बार ये चीज़ हो रही है। सो कॉन्सेप्ट से मूवी बहुत अच्छी थी। थैंक यू।
थैंक यू। एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक्ट्रेस जितने भी हैं? एक्टिंग वाइज सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। एज मैं सारे एक्ट्रेस को ऑलरेडी मतलब पहले से जानता हूँ, मैंने इनके साथ काफ़ी वर्कशॉप भी की हुई हैं, तो एक्टिंग वाइज तो सबकी एक्टिंग अच्छी थी। और बेसिकली मेरे को तारिक सर की और शोएब सर की और शाही सर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। सॉरी 4.5। थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी लगी, इसमें सबके लव पेंडिंग रह जाते और उसमें क्या एक्साइटमेंट है। सभी किरदारों ने अपना अपना बहुत बेस्ट दिया है। इवन के जो रिलेशनशिप आज की डेट में छुपा हुआ था वो भी इन्होंने बाहर लाने की कोशिश की है, जैसे बायोसेक्चुअल, मतलब उन्होंने ये बताया कि कोई भी रिलेशन बुरा नहीं होता, उसको आप ओपनली जी सकते हो आज के जो भी लाइफ स्टाइल में। मुझे बहुत अच्छा मूवी लगा। क्या क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जो अमूमन हम रोज़मर्रा की? हाँ, आज का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अलग अलग लव दिखाया है इसमें, किसी का पेंडिंग रहता है, किसी को मिलता है, मतलब गिव एंड टेक। बोथ हाँ, इसमें ये है कि जो लोग अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहते थे, इसके माध्यम से उनको लगेगा कि नहीं भाई हमारी लाइफ है, हम खुल के जी सकते हैं। एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्टिंग मुझे सबकी सुपर्ब लगी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, सबकी एक्टिंग बहुत बढ़िया। सॉरी मैं 5 में से 5। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है मूवी, जैसी आजकल के रिलेटेड जो मतलब टॉपिक्स होते हैं, जो इशू होते हैं जो हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, सेम वही चीज़ है जो ऑडियंस के सामने लाई है ताकि उस चीज़ को ऑडियंस एक्सेप्ट करे। और मतलब जो चीज़ होती है पीठ पीछे होती है वो जब पर्दे पे आती है तो दिखती है अलग है, बट जो है रियलिटी है। आप मानते हैं फिल्म एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देती है? बिल्कुल, सोशल मैसेज देती है, तभी उसी चीज़ पे मैसेज दे रही है कि जो चीज़ हम फेस नहीं कर पाते हैं बट एक्चुअल में हम होते हैं, तो वो चीज़ को ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना, ऑडियंस के सामने लाना, ये मैसेज ही है। देखा जाए तो ये मैसेज ही ऑडियंस को डायरेक्टली वे में, ताकि जो आप हो तो बी इन रियल। वो डिपेंड करता है वो किसके अकॉर्डिंग लिए क्या है, बट अदरवाइज जो मूवी की मतलब जिस हिसाब से मूवी है अदरवाइज ठीक है। मतलब अलग अलग कंपैरेटिवली सबकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं, तीन ग्रुप है, तीन कपल हैं, तो ठीक है। आई थिंक 4.5। वेल द फिल्म लुक्स अ गुड पीस ऑफ आर्ट, एक्ट्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्टोरी कुछ कपल्स के बारे में है, कुछ उसके अप्स एंड डाउन्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, अच्छा लगा। और स्टोरी टेलिंग इज़ ऑल्सो गुड, इट्स गुड वर्क बाय मिस्टर काजमी, और उन्होंने खुद जो परफॉर्मेंस किया है, इवन दैट वाज प्रीटी नाइस टू वॉच। तो ऑल इन ऑल नाइस फिल्म विद अ लिटिल डिफरेंट ट्रीटमेंट, अच्छा लगा। Because it talks about, you know, equality, it talks about more be open yourself, you know, what you are, present yourself the way you are. Now that's very true, actually, the kind of performance which has been put in by, you know, Kazmi as that character, who was not expressive and who was, you know, very, very much tied up within himself, finally he expresses himself. So that message which is coming out, I believe this is how the life has to be lived, you know, aapko jo dil mein andar hai, usse bahar aane do yaar, you do not worry much about the world and all. जो है वो है, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ तो मैं वैसी हूँ। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे बाइंड हो के आप अपने आप को बांध के रखते हो, वो कहीं ना कहीं लॉन्गर रन में आप सफ़र करते हो। आई डू नॉट बिलीव मच इन स्टार्स, बट आई डिड अप्रिशिएटेड द एंटायर थिंग, अच्छी चीज़ है और ये आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह की चीज़ें और बननी चाहिए और सामने आनी चाहिए। दे आर यंग फिल्म मेकर्स एंड ऑल माई बेस्ट विशेज टू दैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म आपको? मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी। क्या खास लगा आपको? इनका कंसेप्ट ही काफ़ी यूनिक है कि आजकल की जितनी भी मूवीज़ बन रही है तो वो ज़्यादा बन रहा है लव स्टोरीज इनके, इन्होंने कितनी स्टोरीज़ एक साथ दिखाई और एक नया कंसेप्ट दिखाई कि सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए बायसेक्सुअल, जो भी आजकल ये चलता, तो उन्होंने एक नई चीज़ इन्होंने एक बॉलीवुड में लाई। तो बहुत बहुत खुश हैं हम शायद सर से कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई, ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट। और जैसे कि अब लोग शायद फील करते हैं बाइसेक्सुअल होके, बट इस फिल्म को देख के लोगों को समझ आना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सब नॉर्मल है, कुछ नहीं चलता है, ये भगवान की चीज़ है, तो हमें चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, किसी को डाउन फील नहीं करने देना चाहिए। एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? मेरे को शाहिद की एक्टिंग अच्छी लगी बहुत अच्छी, शोएब की, एंड बड़ी इज़ ऑल्सो गुड।
4.5 क्या कहना चाहेंगे पेंडिंग लव के बारे में? एक नई स्टोरी सामने देखने को आई, अलग तरीके से एक लव को अलग तरीके से जाहिर किया है। बहुत अच्छी मूवी लगी हमें, हर तरीके की स्टोरीज, मतलब एक मूवी में तीन तरीके की स्टोरीज बताई है इन्हें। अच्छी रेटिंग है, बहुत अच्छी मूवी। क्या कहना चाहेंगे? आई रियली लाइक द मूवी। और जिस तरह से आजकल के दौर में चल रहे अबाउट रिलेशनशिप्स, किस तरह के रिलेशनशिप्स आजकल चल रहे हैं, हर किस्म के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है मूवी के मूवी में। सो आई रियली लाइक दैट। Do you think it's a good start when normally we see a Bollywood typical love story in India, we having something absolutely different? Yeah, obviously it's a good start because it is very important कि आज के टाइम पे हम लोग ये चीज़ों के बारे में बातें करें और इन चीज़ों को एक ओपन तरीके से हम लोग इसको एक्सेप्ट करें। और जैसे कि इस मूवी में भी बताया गया है कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स के बारे में, तो इट्स अ गुड थिंग। दिस कैन बी मैसेज टू द कम्युनिटी, क्योंकि आजकल हर आप देख रहे हैं कि ये सब बाइसेक्सुअलिटी बोलने को इंसान एक कतराता है कि नहीं यार बोलेंगे तो मजाक उड़ाएंगे ये सब, तो उस वजह से कि अगर ये मैसेज आ रहा है, क्या पता लोगों का डर निकले, ये एक अच्छा पॉइंट भी आ सकता है सोशली। क्या कितने स्टार देना चाहेंगे 5 में से? 5 में से 4.5। आई विल गिव 4। थैंक यू। थैंक यू।